नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले MI की तरफ से आने वाले लैपटॉप्स के बारे में, जो है कि MI Notebook Pro और MI Notebook Ultra। कुछ ही दिन पहले यानी कि 26 अगस्त को MI ने स्मार्टर लिविंग 2021 का एक इवेंट आयोजित किया था और उसमें उन्होंने अपने बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उनको शोकेस किया है, कौन कौन से वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। तो हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो हम सबसे पहले आते हैं मुद्दे की बात पे, यानी कि उन लैपटॉप्स के बारे में। तो हमें जो दो लैपटॉप्स मिलते हैं MI की तरफ से, सबसे पहले है MI Notebook Pro और MI Notebook Ultra। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, इन दोनों के बारे में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इनके क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं और MI ने कौन से यूजर्स को टारगेट करते हुए ये नोटबुक मार्केट में उतारे हैं और कैसी परफॉर्मेंस इन लैपटॉप से हमको मिलने वाली है उनके बारे में बात करेंगे, उनके डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं टेक रिलेटेड आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी न्यू अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, नया प्रोडक्ट कुछ अनबॉक्सिंग वगैरह होगी, वो सब हम इस चैनल पर करने वाले हैं। और ये जो चैनल है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चैनल होने वाले हैं, ईच एंड एवरी वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों आगे हम वीडियो में बढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे नोटबुक अल्ट्रा के बारे में और उसके आगे हम बात करेंगे नोटबुक प्रो के बारे में। दोस्तों सबसे पहले प्राइसिंग की बात करेंगे तो MI नोटबुक जो अल्ट्रा है वो होती है आपकी 60,000 से शुरू, यानी कि 59,999 रुपये। उसके बाद बात करेंगे प्राइसिंग की नोटबुक प्रो की जो होती है 57,000 रुपये से, यानी कि 56,999 रुपये से। बेसिकली ये दोनों जो लैपटॉप्स हैं ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, बट थोड़ा बहुत इनमें कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहले जो इन दोनों के बीच जो डिसिमिलैरिटी है वो है इनके स्क्रीन साइज के बारे में। MI Notebook Pro में आपको मिलती है 35.5 सेंटीमीटर यानी कि 14 इंच की डिस्प्ले, वहीं MI Notebook Ultra में मिलती है आपको 15.6 इंच की जो डिस्प्ले वो मिलती है। MI Notebook Pro में जो डिस्प्ले का जो रिजोल्यूशन है वो है 2.5K। तो 2.5K जो डिस्प्ले है ऑब्वियसली ये फुल HD जो डिस्प्ले होती है उनसे काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मानी जाती है। इनमें जो कलर रिप्रोडक्शन मिलेगा आपको वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। MI Notebook Ultra के जो डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों ये है 3.2K डिस्प्ले, तो ये एक जंप अहेड, एक वन स्टेप अहेड फ्रॉम MI Notebook Pro, तो ये काफ़ी अच्छी ये डिस्प्ले होने वाली है। सबसे अच्छी बात दोस्तों दोनों में जो है वो है 100 sRGB को दोनों सपोर्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं MI Notebook Ultra के बारे में। MI Notebook Ultra के कुछ की फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। इनिशियली 3.2 की MI True Light डिस्प्ले मिल जाती है जो है 15.6 इंच की, यानी कि 39.62 सेंटीमीटर डायगोनली अगर इसे मेजर करेंगे। और ऑल मेटल डिजाइन मिल जाता है जो कि सीरीज 6 एल्युमिनियम ग्रेड का, जैसा कि MI क्लेम करता है, जो कि एयरक्राफ्ट ग्रेड का जो एल्युमिनियम होता है वो मिल जाता है आपका। 90Hz की स्मूथ रिफ्रेश रेट वाली जो डिस्प्ले है वो मिल जाती है। 12 घंटे की बैटरी के साथ ये लैपटॉप आता है, 12 घंटे का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के साथ मिल जाएगा और 65W का टाइप सी चार्जर से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे दोस्तों, थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर है इसका, 17.9 mm का इसका थिकनेस है और 1.7 kg इसका वेट रहने वाला है। आगे कुछ और की फीचर्स के बारे में करेंगे तो लेटेस्ट 11th जनरेशन का कोर i5 और i7 जनरेशन वाला ये CPU के साथ ये आता है। दो वेरिएंट है इसमें, i5 वाला एक है और i7 वाला एक वेरिएंट। i5 वाले में आपको फिर दो वेरिएंट मिलेंगे, एक मिलेगा 8GB वाला, दूसरा मिलेगा 16GB वाला। तो 8GB के साथ आपको मिलेगी 256GB की SSD और 16GB वाले के साथ मिलेगी आपको 512GB की SSD। और दोनों की जो रैम है वो 32MHz पे क्लॉक्ड है। अब बात करेंगे वेरिएंट के बारे में तो MI Notebook Ultra के आपके पास तीन वेरिएंट आते हैं, एक 16GB 512GB NVMe SSD वाले दो वेरिएंट की बात करेंगे। एक वेरिएंट में मिलता है i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर और Iris Xe ग्राफिक्स के साथ आता है, दूसरा वेरिएंट है i7 11th जनरेशन के साथ और उसमें भी मिलते हैं आपको Iris Xe ग्राफिक्स। वहीं 8GB वाले वेरिएंट की बात करेंगे तो इसमें मिलती है आपको 8GB की रैम और 512GB की NVMe SSD और इसमें भी आपको मिलेंगे Iris Xe ग्राफिक्स। जी हाँ, तीनों वेरिएंट की बात की जाए तो किसी में भी आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा। आप हालांकि eGPU की मदद से अपना अगर कुछ काम करना चाहते हैं जो ग्राफिक डिमांडिंग काम है तो उसे आप अटैच करके अपना काम कर सकते हैं।
आगे बात करेंगे दोस्तों डिटेल में इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। जो 3.2 के जो रेजोल्यूशन होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 times ऑफ फुल HD, तो काफी अच्छा इसमें आपको डिस्प्ले मिलने वाला है MI नोटबुक अल्ट्रा में। इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है 242 यानी 242 पिक्सल पर इंच के हिसाब से आपको इसमें जो डिस्प्ले मिलेगी, और इस डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो है 3200x2000 सुपर हाई रेजोल्यूशन के साथ आती है। 16:10 का गोल्डन एस्पेक्ट रेशियो आपको मिल जाता है। ट्विन टू बॉडी रेशियो जो है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट बेजललेस डिजाइन मिलता है आपको। 18.89:1 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और 16:10 का इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है। दोस्तों इस स्क्रीन की एक सबसे अच्छी खासियत है ये 100 sRGB कलर गैमट को सपोर्ट करती है, तो इसका यूज कब सबसे ज्यादा वहां पे होने वाला है, कोई भी अगर इसमें अगर वीडियो एडिटिंग करता है और लास्ट में कलर करेक्शन की उनको जरूरत पड़ती है तो एफिशिएंटली अच्छी तरीके से वो अपने कलर को इसमें सेट कर पाएंगे, क्योंकि ये 100 sRGB है। 90Hz की इसमें MI ट्रू लाइट डिस्प्ले मिलती है जो है 50% मोर रिफ्रेशिंग के साथ, और इस डिस्प्ले की सबसे अच्छी खासियत यह कि आप 60Hz और 90Hz के बीच में इसे स्विच कर सकते हैं। आपको फंक्शन प्लस एस की को प्रेस करना पड़ेगा तो ये दोनों के बीच में स्विच कर जाएगी। डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप इसे 60Hz पे या 90Hz पे इसे चला सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सेफ्टी के लिहाज से, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिहाज से आप बात करेंगे उसमें 2-in-1 फिंगरप्रिंट रीडर प्लस पावर बटन मिलता है, वही आपका पावर बटन का काम करेगा और वही आपका फिंगरप्रिंट रीडर का काम करेगा। फुल साइज इसमें कीबोर्ड आपको मिल जाता है, लार्जर ट्रैक पैक मिल जाता है आपको जो है मल्टी जेस्चर, और 3 level की बैकलाइट मिल जाती है इसमें, या तो ऑफ कर सकते हैं आप ब्राइट एंड ब्राइटर, तो 3 mode मिल जाता है आपको बैकलाइट का, इसमें अच्छा ऑप्शन मिल जाता है तो रात में काम करने में कोई इशू नहीं होने वाला है। और जो ईच की का जो इन्होंने टेस्ट किया तो 5 million bar यानी कि 50 lakh bar एक की अप डाउन की है इन्होंने, तो उसका टेस्ट ये बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं एक की को और 50 lakh bar ऊपर नीचे करेंगे तो कोई की पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और जो ट्रेवल टाइम है की का वो 1.5 mm है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है डीप ट्रेवल टाइम जिसे आप कहेंगे। वेबकैम की बात करेंगे दोस्तों तो HD रेडी जो वेबकैम मिलता है वो मिल जाता है आपको, यानी फुल HD का वेबकैम आपको इसमें नहीं मिलेगा। ऑडियो की बात करेंगे दोस्तों तो DTS ऑडियो ऐप फॉर हाई क्वालिटी एंड लाउड साउंड के साथ जो आता है वो मिलता है आपको, तो काफी अच्छा इसका जो साउंड है वो रहने वाला है। और अब आती है परफॉर्मेंस की बात, तो इसमें मिलेगा आपको इंटेल 11th जनरेशन का जो प्रोसेसर है, तो जो ब्रांड आप चूज करेंगे एक ब्रांड में आपको मिलेगा i5 प्रोसेसर, दूसरे ब्रांड में मिलेगा आपको i7 प्रोसेसर। i5 वेरिएंट की बात करेंगे दोस्तों इसमें 8GB 512GB SSD वाला आता है, दूसरा आता है 16GB 512GB SSD वाला, और i7 वाले की बात करेंगे तो उसमें आता है आपको 512GB की SSD वाला वेरिएंट मिल जाता है। तो आई सीरीज के तो इंटेल के जो लेटेस्ट CPUs हैं वो मिल जाएंगे आपको, इंटेल i5 और इंटेल i7 प्रोसेसर। बेसिकली दिस प्रोसेसर आर बेस्ड एट 10 nm प्रोसेसर, तो इनमें मिलता है आपको 4 core और 8 thread, तो इसमें आप मल्टीटास्किंग इजीली कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग इन द मीन कि आप इसमें बहुत हैवी गेमिंग तो नहीं कर पाएंगे और हैवी एडिटिंग भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मॉडरेट गेमिंग एंड मॉडरेट एडिटिंग आप करेंगे तो हो जाएगा। 16GB वाला जो वेरिएंट है उसमें आप अ लिटिल बिट हैवियर गेम्स के साथ जाएंगे तो वहां पर भी थोड़ा आपको लैग मिलेगा, लेकिन अगर हाँ ऐसे गेम्स खेलेंगे जो ज़्यादा ग्राफिक डिमांडिंग नहीं है तो वो आपको इजीली काम कर जाएंगे। और वीडियो एडिटिंग जी हाँ 16GB वाला जो वेरिएंट है उसमें आप करेंगे तो वो वीडियो एडिटिंग के लिए कर सकते हैं, 4K वीडियो आप एडिट कर पाएंगे लेकिन ज़्यादा आपको ट्रांजिशंस एंड इफेक्ट्स नहीं डालेंगे तो इजीली काम करेगा। हाँ अगर आप ज़्यादा उसमें ट्रांजिशंस डालते हैं, ज़्यादा कुछ एडवांस लेवल की एडिटिंग करते हैं तो आपका लैग जरूर महसूस होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है और जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है उससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा जो कि है इंटेल का आयरिस एक्सी ग्राफिक कार्ड। दोस्तों आगे बात करेंगे थर्मल के बारे में, तो इसमें थर्मल के लिहाज से देखा जाए तो थिक 16mm वाला डायमीटर वाला हीट पैक दिया गया है जो कि एक लार्ज डायमीटर फैन है, तो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं होने वाला है, लेकिन जब इसे हम यूज़ करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि इसके जो थर्मल्स की जो क्वालिटी है वो कैसी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं इस चैनल पे इन दोनों का जो नोटबुक अल्ट्रा और नोटबुक प्रो सीरीज के जो दोनों लैपटॉप है उनकी अनबॉक्सिंग लाऊंगा आपके लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे आपके वीडियो में। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो वाइड एंड फास्ट इंटरनेट के लिए आपको मिलता है इसमें Wi-Fi 6 मिलता है इसमें, जो कि विच इज 2.7 times faster than Wi-Fi 5
थियोरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली। अब बात है दोस्तों कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें जो पोर्ट्स की बात करेंगे, थंडरबोल्ट पोर्ट मिल जाएगा, यूएसबी टाइप सी, तो कुल मिलाकर ये फ्यूचर प्रूफ एक आपका लैपटॉप रहने वाला है। थंडरबोल्ट 4 का एक पोर्ट, यूएसबी 3.2 जेन 1 का एक पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट मिल जाता है, यूएसबी टाइप सी का एक पोर्ट आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ मिलेगा आपको यूएसबी 2.0 और 3.5mm का ऑडियो जैक। बात करेंगे दोस्तों आगे बैटरी लाइफ के बारे में, तो बैटरी लाइफ है इसकी कुल मिला के 12 घंटे क्लेम करता है, 12 घंटे ना मिला के ना भी चलेगा तो भी 10 घंटे तक आप इसमें चल पाएगी आपकी बैटरी, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा हैवी टास्क ना करेंगे, जस्ट ब्राउजिंग एंड वीडियो वॉचिंग का अगर काम करेंगे और अपना नॉर्मली जो MS ऑफिस वाला काम करेंगे तो 10 घंटे तक तो आराम से खींच लेगा। अब बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये जो दोस्तों ये लैपटॉप आता है, ये आता है आपका विंडोज 10 होम के साथ, और आपको इसमें साथ में मिल जाती है प्री इंस्टॉल्ड जेन्युइन विंडो और विंडोज एंड ऑफिस 2019 ऑफिस के साथ ये मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्टिविटी के लिहाज से देखा जाता है काफ़ी अच्छा ये लैपटॉप रहने वाला है। दोस्तों अब हम बात करेंगे MI नोटबुक प्रो के बारे में। नोटबुक प्रो में आपका जो स्क्रीन का जो डिस्प्ले का साइज है वो है 14 इंच की, यानी कि 35.5 सेंटीमीटर की ये डायगोनल अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो 14 इंच की ये डिस्प्ले मिलेगी। 2.5K QHD के साथ ये डिस्प्ले मिलती है, और इसके जो स्पेक के बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे तो प्रिसीजन का डिजाइन इसमें भी होता है आपको, फ्रॉम 3/6 एल्यूमिनियम से ये जो मेटल यूनिबॉडी मेटल चेसी वाला ये डिजाइन मिलेगा आपको। 11 घंटे की इसमें बैटरी बैकअप मिलने वाली है, और इसमें भी आपको मिलने वाला है 65 वॉट का टाइप सी चार्जर। इसके अगर फॉर्म फैक्टर की बात करें दोस्तों तो ये उससे आपका थोड़ा सा कम वेट वाला है। MI नोटबुक अल्ट्रा से बात करेंगे तो थोड़ा सा लाइटर साइड ये लैपटॉप मिलने वाला है। 17.33 mm की इसकी थिकनेस है और 1.4 kg इसका टोटल वेट आता है। इसमें भी अगर पोर्ट की बात करेंगे तो थंडरबोल्ट 4 मिल जाता आपका और टाइप सी पोर्ट मिल जाता, तो कुल मिलाकर ये आपका एक फ्यूचर प्रूफ ये भी एक लैपटॉप रहने वाला है। इसमें अगर आप CPU की बात की जाए तो लेटेस्ट 11th जनरेशन का इंटेल कोर i5 और i7 प्रोसेसर मिल जाते हैं। इसमें भी कुल मिला के 3 वेरियंट आपको मिलेंगे दोस्तों। MI नोटबुक प्रो के जो वेरियंट की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेंगे टोटल 3 वेरियंट जो हैं दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में, 16 GB रैम और 512 GB NVMe वाले के। और जो वेरिएंट की बात करेंगे तो इसमें आपको एक इंटेल i5 के साथ मिलेगा 11 जनरेशन के साथ, और दूसरा मिलेगा इंटेल i7 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ। वहीं आप 8 GB और 512 GB NVMe SSD वाला वेरिएंट देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ i5 11 जनरेशन वाला प्रोसेसर ही देखने को मिलेगा। इसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा आपको, आपको जस्ट मिलेगा इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। सिर्फ सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट रीडर आपको मिल जाता है विद पावर बटन, तो डुअल फंक्शनैलिटी के साथ आपको वो बटन मिलेगा, वही आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का काम करेगा, वही आपका पावर बटन का काम करेगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से बात की जाए दोस्तों वाईफाई 6 का आपको इसमें कनेक्टिविटी मिलती है। डिजाइन भी इसका काफी एक प्रोफेशनल लुक वाला डिजाइन मिल जाता है। ये भी सीरीज 6 वाला एविएशन ग्रेड का जो एल्यूमिनियम होता है अलॉय उसके से बनी हुई इसकी ये यूनिबॉडी एक मेटल चेसी वाला जो डिजाइन है वो मिलता है आपको इसमें। फॉर्म फैक्टर की बात की है दोस्तों 17.3 mm थिकनेस और 1.46 kg लाइट के साथ वेट के साथ ये आपका लैपटॉप आता है। वेबकैम की बात की जाए दोस्तों तो इसमें भी आपको एक HD रेडी वेबकैम मिल जाता है, फुल HD वाला वेबकैम आपको भी इसमें नहीं मिलने वाला। ऑडियो की बात की जाए तो DTS ऑडियो इसमें आपको मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सराउंड साउंड वाली फीलिंग आप इसमें ले सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इसकी जो स्पेसिफिकेशन को डिटेल में, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें 2.5K QHD वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है, और इसके जो ब्राइटनेस है वो है 300 यूनिट्स वाली ब्राइटनेस मिल जाती है जो आपके एक्सेलेंट व्यू एंगल प्रोवाइड करती है। 100 sRGB कलर गैमट को ये सपोर्ट करता है, तो जी हाँ दोस्तों अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको कहीं पर कलर करेक्शन की जरूरत पड़ती है तो आप इजीली यहाँ पे अपना काम कर पाएंगे, तो इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं होने वाला। दोस्तों बात आते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें 11th जनरेशन के i5 और i7 सीरीज के जो लेटेस्ट CPU इसमें लगा हुआ है, जो दोज आर बेस्ड एट 10nm प्रोसेस, तो मल्टीटास्किंग आप इजीली इसमें कर सकते हैं क्योंकि इसमें मिलता है आपको 4 कोर और 8 थ्रेड एंड दोज प्रोसेसर्स आर क्लॉक्ड एट 44.4 GHz विद टर्बो बूस्ट। अगेन इसमें दोस्तों आपको कोई डेडिकेटेड GPU नहीं मिलेगा, आयरिस एक्सी ग्राफिक कार्ड मिलेगा। MI नोटबुक प्रो के अगर
पोर्ट्स की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको सबसे पहले मिलेगा 3.5 mm का ऑडियो जैक, हेडफोन जैक, जहाँ पे आपको हेडफोन भी लगा सकते हैं और अपना माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं। USB 2.0 का एक पोर्ट मिलेगा, USB टाइप सी का एक पोर्ट, HDMI पोर्ट मिलेगा, USB 3.2 Gen 1 का एक पोर्ट मिलेगा और थंडरबोल्ट का एक पोर्ट मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, कुल मिला के ये जो लैपटॉप है ये फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। टोटल इसमें 6 पोर्ट आपको मिल जाएंगे। बैटरी बैकअप की जहाँ तक बात की दोस्तों, तो 11 घंटे का इसमें एक ऑल डे बैटरी मिल जाएगी आपको, जो है 65 वॉट USB टाइप सी चार्जर के साथ मिलेगा आपको। एज क्लेम्ड बाय MI 34 मिनट में आपका 50% जो बैटरी वो चार्ज कर लेगा और 11 घंटे का लोकल प्लेबैक मिलेगा। तो 11 घंटे का तो नहीं, लेकिन दोस्तों 9 घंटे के तक तो आपको इजीली इसमें पावर बैकअप मिलेगा। अगर आप इसे नॉर्मल काम कर रहे हैं, जैसे MX ऑफिस में काम कर रहे हैं, मेल वगैरह कर रहे हैं, वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो 9 घंटे का आपको इसमें बैकअप टाइम मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जाए दोस्तों, इसमें मिलता है आपको विंडोज 10 का होम एडिशन और साथ ही साथ मिलता है आपको प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस 2019 वाला वर्जन आपको इसमें मिल जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों, ये था इन दोनों लैपटॉप के बारे में जो डिटेल, इनके जो स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने बात की, इन दोनों लैपटॉप के जो आपको परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। वर्डिक्ट दूंगा दोस्तों मैं, जो 8 GB वाला जो रैम वाला जो वेरिएंट है, उसे आप अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या आपको कोई कहीं पर प्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ती है और घर में अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये वाला जो वेरिएंट है ये अच्छा रहेगा आपके लिए इसमें, क्योंकि हैवी टास्किंग कुछ नहीं हो पाएगी, जस्ट आपका MS ऑफिस का जो काम है वो आप इसमें कर पाएंगे। तो ये जो स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए MI ने ये लैपटॉप निकाला है, वहीं 16 GB वाले बात की जाए तो इसमें लिटिल बिट हैवी टास्क कर सकते हैं आप, कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, जरूरत भी इसमें आपको पड़ सकती है एक्सटर्नल GPU लगा के आप इसमें काम कर सकते हैं। तो 1080 आपको अगर वीडियो एडिटिंग करना है दोस्तों, आप 16 GB वाले वेरिएंट में इजीली कर पाएंगे। 4K में कहीं ना कहीं वो लैग जरूर करेगा, लेकिन आप उसमें वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के वर्डिक्ट की बात किया, जी हाँ दोस्तों ये फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करें, क्योंकि इसमें आपको थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट मिल जाता है, USB टाइप सी के पोर्ट मिल जाते हैं और डिस्प्ले की जहां तक लिहाज से बात की जाए तो एक में 2.5K वाली मिल जाती है और एक में 3.2K वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है, जो है काफी अच्छी। उनका जो कलर रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही खास है अपने आप में। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय श्री राम।